वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बनाने वाले हैं ढोकला। तो चलिए हम इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैंने एक बाउल में 2 कप बेसन ले लिया है। अब मैंने इसमें 2 चम्मच सूजी ऐड करी है और उसके बाद मैंने इसमें 2 चम्मच दही डाला है। दही आप ताज़ा यूज़ कर लीजिएगा। और उसके बाद मैंने इसमें पानी डाला है। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। पानी आप बैटर के हिसाब से डालें, ना ज़्यादा पतला ज़्यादा ना ज़्यादा गाढ़ा। आप इसे अच्छे से मिक्स करते हुए मिलाएं। ये देखिए ऐसे कुछ इस तरह आप इसको मिला लें। बिल्कुल भी लम्स नहीं रहने चाहिए इसमें। अब इसके बाद हम इसमें हरी मिर्च, अजवाइन और थोड़ी सी शक्कर ऐड करेंगे और थोड़ा सा हम इसमें नमक ऐड करेंगे। ये सब आप अपने स्वाद अनुसार ले सकते हैं, जितना आप टेस्ट अकॉर्डिंग। नमक ऐड कर दिया है मैंने। इसके बाद 1 चम्मच हम कुकिंग ऑयल डालेंगे और उसके बाद 1/2 टेबल स्पून हल्दी ऐड करेंगे और उसको इसमें मिक्स कर अच्छे से हम मिला लेंगे, जिससे सारी चीज़ें एकदम मिल जाएं। इसको अच्छे से हमने मिला लिया, बिल्कुल भी लम्स नहीं है इसमें। इस पर अच्छे से इसको मिलाते रहेंगे। ये देखिए बैटर हमारा अच्छे से बन गया है, ना ज़्यादा पतला है और ना ज़्यादा गाढ़ा। आपको इसी तरह का बैटर रखना है अपने ढोकला बनाने के लिए। अब हम इसको 25 से 30 मिनट के लिए ढककर रख देंगे, जिससे हमारा बैटर अच्छे से फूल जाए। अब मैंने एक कढ़ाई ली है, आप कुकर भी ले सकते हैं। उसमें हम 4 कप पानी ऐड कर देंगे और हमने हीटर में इनो ऐड कर दिया है। 1 चम्मच इनो डाला है और थोड़ा सा पानी ऐड किया है, जिससे वो अच्छे से मिक्स हो जाए। पानी ज़्यादा मत डालिएगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा बैटर पतला हो जाएगा। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसमें, तब तक इसके झाग ख़त्म हो जाएंगे और हमारा बैटर एकदम रेडी है। अब हमने एक थाली को ग्रीस कर लिया है। आज हम थाली में ढोकला बनाने वाले हैं, तो सारे बैटर को हम थाली में डाल देंगे। ये देखिए मैंने सारा बैटर थाली में डाल दिया है। अब हम इसको उसी कढ़ाई में रख देंगे और ढक देंगे कम से कम 25 से 30 मिनट तक। तब तक हमारा ढोकला बन रहा है, तब तक हमने एक पैन में थोड़ा सा तेल लेंगे, उसको गर्म होने देंगे और उसके बाद हम इसमें राई के दाने ऐड कर देंगे। राई के दाने चटकने लगेंगे, अच्छे से चटक जाएंगे, तो उसके बाद हम इसमें करी पत्ता ऐड करेंगे। करी पत्तों के बाद हम इसमें ग्रीन चिली ऐड करेंगे, इससे बहुत ही ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है। आप ज़रूर ट्राई करना एक बार डाल के, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए हमारी राई चटकने लगी। उसके बाद हम इसमें शक्कर ऐड करेंगे 2 चम्मच, आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। और उसके बाद हम इस पर पानी ऐड करेंगे, पानी भी आप अपने हिसाब से ले सकते हैं कम या ज़्यादा। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब 25 से 30 मिनट हो गए हैं, हम ढोकला को चेक कर लेंगे। मैंने एक चाकू डाल के देखा है और वो बिल्कुल क्लीन बाहर आ गया है। इसका मतलब हमारा ढोकला एकदम रेडी है। और उसके बाद उसके ऊपर तड़के का पानी ऐड कर देंगे हम, जिससे वो अच्छे से स्पॉन्जी बने। और बस इसको सर्व करने के लिए एक प्लेट में निकाल लेंगे। और ऐसी ही अमेजिंग रेसिपीज़ देखने के लिए वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।